सबको मेरे ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स अर्थात T3 और T4 हार्मोन्स के बारे में। तो अधिकांश विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता कि थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। जनरली सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड से केवल T3 और T4 हार्मोन, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं, यही स्त्रावित होती हैं। और लेकिन आपको आज ये समझना होगा कि थायराइड ग्लैंड से केवल T3 और T4 हार्मोन से स्त्रावित नहीं होते, परंतु थायराइड ग्लैंड से थायरोकैल्सिटोनिन, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स भी स्त्रावित होती हैं। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह यह है कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के किस भाग से स्त्रावित होती हैं। तो आज के लेक्चर का मेरा मुख्य उद्देश्य होगा थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित होने वाले तीसरा हार्मोन्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो हम आज देखेंगे कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के कौन से भाग से स्त्रावित होती हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि T3 और T4 हार्मोन जो होती हैं वो थायराइड फॉलिकल्स से स्त्रावित होती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार मैं और रिवाइज करना चाहूँगा कि थायराइड ग्लैंड का पोजीशन क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन जो होती है, लैरिंग्स और ट्रेकिया के आइट साइड में जो ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड्स के अंतर्गत कितने, तो थायराइड ग्लैंड्स के अंतर्गत दो लोब होते हैं। पहले लोब को हम लोग क्या कहते हैं, एंटेरियर लोब कहते हैं। दूसरे वाले लोब को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टेरियर लोब कहते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड्स के दो लोब होते हैं, पहले लोब को बोलते हैं एंट्रियल लोब, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टेरियर लोब कहते हैं। और दोनों लोब को जो जोड़ती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थमस। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को आपको देखना होगा, क्योंकि जब तक आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले वीडियो देखिए, ताकि आपको थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला तीसरा हार्मोन्स के बारे में आप अच्छी तरह से जान पाए। तो देखिए, मैं लिखा हूं कि थायराइड ग्रंथि के कितने होते हैं, दो भाग होते हैं, दो लोब होते हैं। पहले लोब को बोलते हैं एंटेरियर लोब, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टेरियर लोब। लेकिन जो दोनों को जोड़ती है उसको हम लोग स्थमस कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि थायराइड ग्रंथि के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। बहुत सारे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते थे थायराइड फॉलिकल्स कहते थे। लेकिन थायराइड फॉलिकल्स के अंदर हमने पढ़ा कि T3 और T4 हार्मोन्स स्त्रावित होते हैं। लेकिन आज हमारा लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला तीसरा हार्मोन। तो देखिए, थायराइड फॉलिकल्स के आइट साइड में आपको छोटे छोटे सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस छोटे छोटे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल, याद रहे, क्योंकि ये फॉलिकल्स के बाहर है, अर्थात फॉलिकल्स के चारों तरफ जो छोटे छोटे सेल जो होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल। तो थायराइड लोब में, थायराइड ग्रंथि के लोब के चारों तरफ जितने भी छोटे छोटे सेल होते हैं उसको पैरा फॉलिकुलर सेल या सी सेल के नाम से जाना जाता है, याद रहे। थायराइड ग्रंथि के अंदर जो थायराइड फॉलिकल्स होती हैं, उस थायराइड फॉलिकल्स के आइट साइड में जितने भी छोटे छोटे सेल होते हैं उसको हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल कहते हैं। तो याद रहे, यही पैराफॉलिकुलर सेल या सी सेल जो होती हैं वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स को स्त्रावित करती हैं। तो नीट में ये क्वेश्चन आता है कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड के कौन किस भाग से स्त्रावित होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल, इसको सी सेल के नाम से जाना जाता है, इस भाग से ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स स्त्रावित होती हैं। अब देखिए, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स का मनुष्य के शरीर में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए, ये थायरोकैल्सिटोनिन में यहाँ पर लिखा हूं एंटीगोनिस्ट ऑफ PTH हार्मोन्स, याद रहे। पी का मतलब होता है पैरा, टी का मतलब थायराइड, एच मतलब हार्मोन, मतलब पैरा थायराइड हार्मोन्स। ये जो क्या होती हैं, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो एंटीगोनिस्ट, एंटीगोनिस्ट का मतलब होती हैं ये पैरा थायराइड हार्मोन्स के अपोजिट वर्क करती हैं, पैरा थायराइड हार्मोन्स के अपोजिट काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरा थायराइड हार्मोन्स के क्या कार्य हैं। तो मैं जनरली आपको सिंपल लैंग्वेज में ये बताता हूँ कि पैरा थायराइड हार्मोन जो होती हैं वो हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करती हैं, मतलब कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ाने का काम करती हैं, याद रहे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो एंटीगोनिस्ट ऑफ PTH हार्मोन्स,
मतलब ये पीटीएच हार्मोन्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं। तो पीटीएच हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमारे ब्लड में ये हार्मोन जो होती हैं वो कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करती हैं। तो जस्ट उल्टा अगर काम करती हैं तो थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन जो होती हैं वे हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करती हैं अर्थात कम करती हैं। इसलिए इसके फंक्शन के आधार पर हम लोग पैराथायरॉइड हार्मोन्स को हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स कहते। तो याद रहे यहां पर हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स के एग्जांपल पूछा जाता है। तो हाइपर मतलब अधिक, कैल्सेमिक मतलब कैल्शियम के लेवल को अधिक करने वाला, हाई करने वाला। तो हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स का अगर एग्जांपल पूछा जाए तो पता होना चाहिए आपको पैराथायरॉइड हार्मोन्स। पैराथायरॉइड हार्मोन जो होती है उसको हम लोग हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स कहते हैं, लेकिन थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करती हैं। तो जनरली आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तविकता में अगर देखा जाए थायराइड ग्लैंड्स के अंदर जितने भी छोटे छोटे सेल होते हैं उसको पैराफोलिकुलर सेल कहते हैं। इस पैराफोलिकुलर सेल को हम लोग सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। और पैराफोलिकुलर सेल या सी सेल्स जो होती हैं वो थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन्स को स्त्रावित करने का काम करती हैं। और ये थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो एंटीगोनिस्ट ऑफ पीटीएच हार्मोन्स, पैराथायरॉइड हार्मोन्स की अगेंस्ट वर्क करती हैं, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होती हैं वे हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इनक्रीज करती हैं। लेकिन थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन जो होती हैं वे हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो होती हैं वो हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन्स होती हैं, लेकिन थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन जो होती हैं वो क्या होती हैं? हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन्स होती हैं, क्योंकि कैल्शियम के लेवल को ये क्या करती हैं? डिक्रीज करती हैं। तो जनरली ये आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स, हम लोग पढ़ चुके हैं कि थायराइड ग्लैंड से तीन हार्मोन्स स्त्रावित होती हैं। पहला हार्मोन्स क्या होगा? पहला हार्मोन्स हमने ये पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड से स्त्रावित होने वाले सबसे पहला हार्मोन्स हमने ये पढ़ा था T3 या T4, या हम देखते हैं T4। T4 को हम लोग क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। T4 हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। तो पेपर में आता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखिए। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की क्या कार्य है? तो देखिए थायरॉक्सिन एक्चुअली में क्या है? थायरॉक्सिन जो होती है वो किसके बनी होती है? टायरोसिन एमिनो एसिड। साइंस ये बताता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का समथिंग 60% भाग क्या है? आयोडीन है, और 40% भाग क्या है? टायरोसिन एमिनो एसिड। याद रहे अगर हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर बात किया जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का 60% भाग क्या है? आयोडीन है, और 40% भाग क्या है? क्या है? टायरोसिन एमिनो एसिड है। लेकिन हम पढ़ चुके हैं T4 हार्मोन्स, उसके बाद अगर देखेंगे T4 हार्मोन्स या थायरॉक्सिन हार्मोन्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होती हैं वो क्या करती हैं? BMR मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हमारे शरीर में होने वाली ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती हैं। अगर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रेट, हम पढ़ चुके हैं उपापचय, मेटाबॉलिक रेट को हम लोग क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। अगर हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण कंट्रोल है। तो सबसे पहला फंक्शन लिख सकते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो होती हैं मनुष्य के शरीर में बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती हैं। दूसरा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट वर्क होता है ग्रोथ का। ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ डेवलप, मतलब वृद्धि का इंपॉर्टेंट काम करते। तो आपको पता होगा वृद्धि में सबसे पहले ये क्या? स्केलेटल्स, मेरे कहने का मतलब ये बोन्स, मतलब हड्डियों का विकास करते, बोन्स का डेवलप करते। याद रहे ये हार्मोन जो होती हैं वो मनुष्य के शरीर में बोन्स का ये डेवलप करती हैं, हमारे हड्डी बढ़ेगी। तो हड्डियों को बढ़ाने में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद अगर देखा जाए तीसरा काम ये क्या करती है? मेंटल डेवलपमेंट करती है। याद रहे थायरॉक्सिन हार्मोन जो होती हैं मनुष्य के मस्तिष्क का विकास करती हैं, उनके मानसिक, उनके बौद्धिक क्षमता को ये ग्रोथ करने का काम करती हैं। अगर चौथा अगर फंक्शन देखा जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में माइटोकांड्रिया के लेवल को ये, अर्थात माइटोकांड्रिया के स्तर को ये क्या करती है? बना के रखती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया जो होती हैं वो कोशिका का क्या होती हैं? पावर हाउस होती हैं, और उस कोशिका के पावर हाउस को जो मैनेज करती हैं वो थायरॉक्सिन ही करती हैं। पांचवा,
पांचवा इनका इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए, अगर हम कह सकते हैं कि अगर पानी में जनरली हम कह सकते हैं कि अगर पानी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए, पानी में अगर आयोडीन की कमी होगा तो याद रहे जितने भी मेढक होते हैं उसके टेटफुल लार्वा कभी भी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होंगे। सिंपल मैं कह सकता हूं टेटफुल लार्वा का मतलब क्या होगा, हम जानते हैं टेटफुल, टेटफुल लार्वा का मतलब होता है जितने भी मेढक के क्या होते हैं चाइल्ड होते हैं, मेढक के जो क्या होते हैं चाइल्ड होते हैं, मेढक जितने भी क्या होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको हम लोग टेटफुल लार्वा कहते हैं। अगर वाटर में अगर आयोडीन का स्तर डाउन हो जाए तो कभी भी ये टेटफुल लार्वा जो होती हैं एडल्ट एडल्ट फ्रॉग में क्या नहीं होंगे, एडल्ट एडल्ट फ्रॉग में ये कन्वर्ट नहीं होंगे। मतलब मेढक के बच्चे कभी वयस्क नहीं बनेंगे, अगर मेढक के बच्चे अगर वयस्क नहीं बनेंगे तो कभी भी इनका जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। तो याद रहे थायरोक्सिन हार्मोन्स का मनुष्य के शरीर के साथ साथ जितने भी अन्य जानवर होते हैं अन्य जंतु होते हैं उनके शरीर में भी इस हार्मोन्स की इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको और आज रिवाइज कर रहा हूं, आपको समझना जरूरी है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं नेटे पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर वाटर में अगर आयोडीन का लेवल डाउन हो जाए तो याद रखना है आपको, अगर वाटर में अगर पानी में अगर आयोडीन का लेवल डाउन होने से कभी भी जितने भी क्या होते हैं फ्रॉग के जो क्या होते हैं टेटफुल लार्वा होते हैं वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब एडल्ट फ्रॉग में अगर कन्वर्ट नहीं होंगे तो मेढक के बच्चे कभी जवान नहीं होंगे, अगर जवान नहीं होंगे तो वो जनन के लायक अर्थात रिप्रोडक्शन के लायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि थायरोक्सिन हार्मोन्स का सबसे पहले रोल क्या है, ये क्या करती है बीएमआर मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को ये कंट्रोल करती है। दूसरा फंक्शन हम लिखे हैं थायरोक्सिन हार्मोन जो होते हैं ग्रोथ करने का काम करती हैं अर्थात वृद्धि, लेकिन कौन सा ग्रोथ, तो याद रहे सबसे ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन जो होती हैं वो मनुष्यों की हड्डियों का विकास करती हैं, इसलिए इसको स्केलेटल ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। कभी कभी नीट में कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है स्केलेटल ग्रोथ हार्मोन्स का नाम लिखिए, तो स्केलेटल ग्रोथ हार्मोन्स हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन्स को कहते हैं क्योंकि ये हमारे हड्डियों का क्या करती है विकास करती है। फिर मैं क्या लिखा हूं मेंटल डेवलपमेंट, तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होती हैं वे हमारे बौद्धिक क्षमता का भी क्या करती है विकास करती हैं। फिर हम लिखे हैं माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया के लेवल को ये हार्मोन्स बना के रखती हैं। फिर हम लिखे हैं लास्ट में अगर ये टेटफुल लार्वा को मतलब फ्रॉग के टेटफुल लार्वा को ये एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। तो याद रहे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप लोग कंपिटिशन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी अगर डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब इस चैनल में अगर आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा। अब अगर मेरा कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा तो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो और इतना नॉलेज मैं आपके लिए नहीं ला पाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर हमारे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।